इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गिरफ्तार हो सकते हैं पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान। ये बड़ी खबर आ रही है, लाहौर में पूर्व पीएम इमरान खान के घर पहुंची पुलिस, गिरफ्तारी वारंट लेकर इमरान के घर पुलिस पहुंची है। तोशखाना मामले में इमरान की गिरफ्तारी हो सकती है। इमरान की गिरफ्तारी पाकिस्तान में हालात तनावपूर्ण बना सकती है, ये फवाद ने कहा है। पाकिस्तान को और संकट में ना डालें, फवाद चौधरी जो इमरान खान के कैबिनेट में मिनिस्टर थे, कार्यकर्ताओं को जमान पार्क पहुंचने के लिए कह दिया गया है इमरान खान की पार्टी की तरफ से। तो देख सकते हैं किस तरह से पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि इमरान खान की गिरफ्तारी हो सकती है। इमरान खान के घर पर पाकिस्तान की पुलिस वहां पर पहुंची हुई है। दूसरी तरफ फवाद चौधरी जो इमरान खान के कैबिनेट में हिस्सा थे, उन्होंने बड़े बयान दिए हैं। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी का। संजीव, अभी क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं पाकिस्तान में पहले ही माहौल काफी राजनीतिक अस्थिरता का नजर आ रहा है, और इस बीच अगर इमरान खान की गिरफ्तारी हो जाती है तो हालात और बिगड़ जाएंगे। एक तरफ तो पाकिस्तान की आर्थिक मुश्किलें हैं, जिसके बारे में दुनिया भर को पता है कि किस मुश्किलों के दौर से गुजर रहा है पाकिस्तान। वही दूसरी तरफ ये जो राजनीतिक रशाकशी है, और वहां पर आप जानते हैं कि जुडिशियरी भी उसमें शामिल रहती है, तो एक ये दूसरा मुद्दा है। और जैसे हम देख रहे हैं कि जो सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर पाकिस्तान में उथल पुथल चलता है, तो ताजा मामला है तोशाखाना का मामला है, जिसमें पहले अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। ये मामला उस वक्त का है जब वो प्रधानमंत्री, और उनके ऊपर ये आरोप बना था कि उन्होंने जितने भी उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर विदेशों से गिफ्ट मिले थे, उसको उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था इलेक्शन कमीशन को। और इसका दोषी मानते हुए उनके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि वो अपने सांसद की कुर्सी पर बने रहने के और प्रधानमंत्री की कुर्सी बने रहने के हकदार नहीं है, और उन्हें हटना पड़ा था। फिर उस मामले को सेशन कोर्ट में डाल दिया गया था, और सेशन कोर्ट ने इसे आपराधिक मानते हुए उस पर ट्रायल किया, और गए 28 फरवरी को उनके ऊपर एक गैर जमानती वारंट जारी कर दिया, जिसकी तामील के लिए अब इस्लामाबाद की पुलिस लाहौर पहुंच चुकी है, उनके घर पर इस वक्त मौजूद है, और वहां पर इमरान खान खुद मौजूद है, उन्हें गिरफ्तार किया जाना है, ऐसा पुलिस का कहना है। लेकिन इमरान खान की पार्टी पीटीआई के लोग भी वहां पहुंच गए हैं, और वो कह रहे हैं कि ये राजनीति से प्रेरित है पूरा मामला, और हम उन्हें गिरफ्तार नहीं होने देंगे। एक अफरा तफरी का माहौल इस वक्त है लाहौर में, लेकिन हमारी जानकारी कहती है कि देर सवेर इमरान खान को गिरफ्तार कर ही लिया जाएगा। जी, लेकिन संजीव क्या माने, एक राजनीतिक परंपरा बन गई है पाकिस्तान में कि कोई भी प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री होगा, परवेज मुशर्रफ का एग्जांपल ले लीजिए, नवाज शरीफ का एग्जांपल ले लीजिए, अब इमरान खान पर भी वही चीजें हो रही हैं कि जैसे ही कोई पद पे रहता है तो जो उसके एंटी पार्टी है, अगर वो पूर्व प्रधानमंत्री रहे तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। परवेज मुशर्रफ कई साल तक विदेशों में ही रहे, नवाज शरीफ, उनका क्या हाल हुआ, क्या ये एक वहां स्टैंडर्ड सेट हो गया है इस पूरे मामले में? देखिए, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी त्रासदी रही है कि हमेशा वहां जो राजनीतिक झगड़े होते हैं उसमें आर्मी और वहां की जुडिशरी भी शामिल हो जाती है, और जो सत्ता में होता है वो अपने विरोधी को राजनीतिक रूप से नहीं बल्कि उसको और भी तरीकों से, जैसे फौज की मदद से, जुडिशरी की मदद से खत्म करने की कोशिश करता है। क्योंकि इमरान खान आज की तारीख में बाकी जो सत्ता में लोग हैं उनसे ज्यादा पॉपुलर हैं, उनके पास मामले भी हैं उनके खिलाफ, तो ऐसे में उन मामलों का इस्तेमाल करके क्या इमरान खान को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा सकता है? क्योंकि देखिए, 24 में चुनाव भी होने हैं, अगले साल चुनाव भी होने हैं, तो ऐसे में जरूरी है कि एक बड़े प्रतिद्वंदी को, शहबाज शरीफ और उनकी सरकार और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, उनकी जो सहयोगी है बिलावल भुट्टो की, मिल करके उसे जेल भेजना चाहते हैं। पॉपुलैरिटी रेटिंग्स में आज की तारीख में इमरान खान शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो दोनों से ज्यादा है, तो क्या ये राजनीतिक साजिश इसीलिए हो रही है? एक पक्ष तो ये कहता है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि इमरान खान भी बहुत पाक साफ नहीं रहे हैं, उनकी जो कार्य प्रणाली है वो पाक साफ नहीं रही है। हाँ, आज की तारीख में उन्हें एक फायदा इस बात का हो रहा है कि विपक्ष में है और हमें परेशान किया जा रहा है, एक सहानुभूति का मामला है, पीछे गोली भी चल गई थी, लेकिन ये सारा मामला जो है वो उनके उन आचरणों पर भी है जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर बहुत ज्यादा माकूल
नहीं रहा था। अब देखिए ऐसे में जबकि अर्थव्यवस्था पर ध्यान देना पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, वो बार बार भारत की तरफ देखते हैं, वहां के लोग कहते हैं कि एक साथ आजाद हुए और देखिए भारत कहां से कहां निकल गया, हम कहां पर फंसे पड़े हैं, और वहां के हुक्मरान देखिए वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को इस तरह से सामने ला रहे हैं। लगता यही है कि पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट है इसे वहां के आवाम की दिक्कतों से कोई मतलब नहीं है और इस तरह की खबरें इसीलिए लगातार वहां से आती रहती हैं। और संजीव, क्योंकि हमने देखा है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि नवाज शरीफ भी भाग गए थे, परवेज मुशर्रफ भी भाग गए थे, इमरान खान का भी यही माने कि अगर गिरफ्तारी होगी तो वो विदेश की तरफ भागेंगे, अलग स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं इमरान अपने पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों के बदले में, कुछ अलग है कि नहीं मैं डटकर यहाँ सामना करूंगा गिरफ्तार हो जाए। देखिए प्रधानमंत्री रह चुकने के बाद इमरान खान ने यही रणनीति अपनाई है कि पाकिस्तान में बने रहना उनके लिए ज्यादा बेहतर साबित होगा, उन्हें अगर उनकी सदस्यता खारिज कर दी गई है तो एक सहानुभूति की लहर पर वो कैश कर रहे हैं। इसके अलावा उन्हें लगता है कि क्योंकि चुनाव होने हैं थोड़े दिनों के बाद, तो जो भी उनके साथ हो रहा है उसे एक पब्लिक स्पेक्टिकल बनाया जाए और आवाम वहां की देखे, वहां के लोग देखे और उनके वोट बैंक में इजाफा हो। और सच बात तो यही है आज की तारीख में कि जो शहबाज शरीफ की सरकार है वहां पर पाकिस्तान में ठीक तरीके से शासन कर नहीं पा रही है, आर्थिक दुश्वारियां बहुत ज्यादा हो गई हैं और ऐसे में इमरान खान को लगता है कि ये जो गिरफ्तारी है और लोगों का जमा होना, भीड़ हुजूम, पुलिस का उनके दरवाजे पे खड़ा होना, ये सब राजनीतिक रूप से उनके लिए फायदे का सौदा होगा, इसलिए बाकी के प्रधानमंत्रियों की तरह शायद वो पाकिस्तान छोड़ना नहीं चाहेंगे, वो बने रहना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर उन्हें अभी भी अपना राजनीतिक भविष्य बेहतर दिख रहा है। एक बार फिर अपने दर्शकों को अपडेट दे दें कि लाहौर में इमरान खान के घर पर पाकिस्तान की पुलिस वहां पे पहुंची हुई है, कहा यह जा रहा है कि तोशखाना मामले में इमरान खान, जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, क्रिकेटर रह चुके हैं, वर्ल्ड कप दिला चुके हैं, उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। अगर इमरान खान गिरफ्तार हुए तो क्या पाकिस्तान में हालात और ज्यादा स्थिर हो जाएंगे, इसी को लेकर हम चर्चा भी कर रहे हैं और लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि पाकिस्तान में एक तरफ आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है, दूसरी तरफ अगर इमरान खान गिरफ्तार हो जाते हैं उसके बाद क्या राजनीतिक अस्थिरता आ जाएगी, पाकिस्तान आर्मी का रोल क्या रहेगा संजीव इन तमाम चीजों में, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जब से इमरान खान ने पाकिस्तान आर्मी से पंगा लिया तब से इमरान खान के दिन बदल गए हैं। यहां देखिए इमरान खान और पाकिस्तान आर्मी ये दोनों जब एक हुए थे तो इमरान खान को प्रधानमंत्री की कुर्सी मिली थी, लेकिन जनरल बाजवा से उनके जो डिफरेंसेस हुए उसका नतीजा लोग कहते हैं ये हुआ कि आज वो विपक्ष में पहुंच गए हैं। इमरान खान को कभी भी पिछली सरकार में भी जब उनकी सरकार थी तो बहुमत नहीं था, लेकिन बहुमत जुटाने में आर्मी ने ही मदद की थी। बाद में आर्मी के इशारे पर कहा जाता है कि वो तमाम लोग जो इमरान खान का समर्थन कर रहे थे उन्होंने समर्थन वापस भी ले लिया था। तो अब इमरान खान एक दूसरी यात्रा पर है, एक दूसरी राजनीतिक यात्रा जिसमें कि वो आवाम यानी कि वहां के लोगों को अपने साथ करना चाहते हैं। तो ऐसे में आर्मी जो कि कहीं ना कहीं डिस्क्रेडिट होती दिखाई पड़ रही थी अपनी राजनीतिक दखलंदाजी की वजह से, उसने एक दूरी बना रखा है फिलहाल रवि, उसे ये लग रहा है कि अगर वो ज्यादा दखल देती है तो वो बदनाम हो जाएगी। वैसे ही वो बदनाम है कि वो राजनीति करती है, वहां पर देश की सीमाओं को महफूज तो रख नहीं पाती है, लेकिन राजनीति करने की वजह से वो ज्यादा बदनाम है और अब उसे ये लग रहा है कि दूरी बनाए रखी जाए और इस खेल में जो राजनीतिक पिंग पोंग चल रहा है जो बेहतर और मजबूत साबित होगा आने वाले दिनों में वो उनके साथ हो जाएंगे। एक वक्त जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो जुडिशरी के माध्यम से पाकिस्तान में चल रहा। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव तमाम जानकारी के लिए। यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए News 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।